गाइस hey हाय कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो गाइस पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे और आज हम उसके आगे के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं गाइस ओके okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल एस लर्निंग ठीक है हमारा ये जो चैनल है एस लर्निंग का पूरा एक ग्रुप है क्लास टेंथ और एलेवेंथ के बच्चों के लिए इस चैनल पर आपको सारे नोट्स डेली डी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक है माइंड मैप्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी गाइस ठीक है और मोर देन वन थाउजेंड क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे आपके लिए ठीक है तो उसके लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को सो so, पिछले लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे टेक्सोनोमी आइडेंटिफिकेशन नोमन ठीक है क्लासिफिकेशन की भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कुछ नेमिंग कैसे दिया गया उनको आइडेंटिफाई कैसे करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे ठीक है फिर हमने लिविंग के बारे में भी स्टार्टिंग में देखा था इंट्रो में कि लिविंग क्या होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देखा था काइस ठीक है तो अब हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस ठीक है बट इट इन्वॉल्व्स हाइराकी ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी ठीक है तो मतलब ये क्या बताना चाहता है कि ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है जिससे पूरा मतलब एक ही बार में क्लासीफाई हो जाए ऐसा नहीं है इस पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है जिसमें सारे कैटेगरी जो है मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स है ठीक है वो कितने रैंक पर आते हैं वो कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं ठीक है थीके? सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वह है टेक्सोनिक कैटेगरी का ठीक है तो यहाँ पर क्या बताया गया है सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट तो मैंने आपको बताया था कि टेक्सोनॉमी होता क्या है ठीक है वेरियस ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट टेक्साज में क्लासीफाई किया गया है टेक्सा ठीक है और उन्हीं के ग्रुप को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी ठीक है उन्हीं के ग्रुप को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी ठीक है तो ये जो है सेंस कैटेगरी ये जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म वेरियस कैटेगरी में आते हैं ये कैटेगरी जो है वो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में आ, जाती है ठीक है उसका एक पार्ट है तो इसी वजह से उसको कहा गया है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ठीक है एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायर Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. ठीक है तो guys ये जो concept है पूरा वो है taxonomic कैटेगरीज का concept. ठीक है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो कैटेगरी है पूरी एक टेक्सोनॉमिक hierarchy को क्लासीफाई करती है कॉन्स्टिट्यूट करती है ठीक है ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ classification. ठीक है ए ईच कैटेगरी हर एक कैटेगरी जो है वो क्लासिफिकेशन का एक यूनिट माना गया है ठीक है इनफैक्ट इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्मड एज टैक्सॉन और और इनफैक्ट फैक्ट में वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है और हम उस रैंक को एक नाम से जानते हैं जो है टेक्सॉन ठीक है आया समझ में नेक्स्ट देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायर आरकी कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल अब उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ समझ सकते हैं ठीक है क्या है वो एग्जाम्पल देखिए इंसेक्ट्स रिप्रजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स ठीक है तो हमें ऐसे इंसेक्ट्स को देखने हम ऐसे इंसेक्ट देखते हैं देखने को मिलते हैं जिनके थ्री लेग्स हो थ्री लेग्स ठीक है अब एक ही तो ऐसा इंसेक्ट नहीं है जिसके थ्री तीन पैर हो बहुत सारे हो सकते हैं बस बस उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग है लेकिन है तो सही ना कॉमन फीचर्स हमें मिलते हैं ऐसे ठीक है तो यही है एक एग्जाम्पल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ठीक तो है इट मीन्स डैट इंसेक्ट्स आर रिकोगबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासीफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी ठीक है तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ऐसे सिमिलर इंसेक्ट्स हैं उनको उनको हम रिकोगग्नाइज कर सकते हैं रिकोगनाइजेबल है ठीक है थीके? और इसीलिए उनको क्लासीफाई किया गया है एक रैंक या फिर एक कैटेगरी में इंसेक्ट के कैटेगरी में उनको क्लासीफाई किया गया है ठीक है नेक्स्ट इज़ कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो बोल रहे कि ऐसा कुछ आ, और एक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को आप देख सकते हो बता सकते हो नाम दे सकते हो बताइए रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी तो ग्रुप जो होता है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है और कैटेगरी जो है वो फर्दर रैंक को डिनोट करता है ठीक है तो याद रखिए ग्रुप जो है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी जो है वो रैंक को डिनोट करता है ईच रैंक या फिर टेक्सॉन तो मैंने आपको बताया हर एक रैंक या फिर हम उसे टेक्सॉन कह सकते हैं ठीक है तो ये क्या है इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हर एक टेक्सॉन जो है वो किसी भी एक क्लासिफिकेशन के यूनिट को फॉलो करता है ठीक है तो यही यहाँ पर बताया गया दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट एक मिनट है एंड नॉट मेरेली मोरफोलॉजिकल ओके तो ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स है कैटेगरीज है वो बायोलॉजिकल एंटिटीज में मोरफोलॉजिकल एग्रीगेट्स में क्लासीफाई किए गए हैं ठीक है टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एस किंगडम फाइलम और डिवीजन ऑफ और प्लांट्स ठीक है तो ये जो टेक्सोनॉमिक की स्टडी है ठीक है सारे नोन ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनको हम जानते हैं वी नो देम ठीक है जिनको हम जानते हैं ठीक है जिसको हमने क्लासीफाई किया है नेम नाम दिया है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें पता है ठीक है उन्होंने किसी कॉमन कैटेगरीज के डेवलपमेंट में मदद की है जैसे किंगडम फाइलम डिवीजन ठीक है प्लांट्स के लिए ठीक है उनके क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस जीनस क्या है स्पीशीज क्या है ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर बताई गई ना गाइस वो सारी हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं ठीक है आया समझ में तो देखिए यही एक क्वेश्चन है नाउ द क्वेश्चन यू में आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज तो एक सवाल आता है कि बहुत सारे कैटेगरीज में एक ऑर्गेनिज्म को हम रखें कैसे सवाल आता है बड़ा वाला ठीक है तो इसका जवाब मैं अब आप मैं आपको देने वाला हूँ ये सारे कैटेगरीज़ जो है आप देख पा रहे हो क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेशस किंगडम फाइलम डिवीजन ये सारी चीज़ें अब आप मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में गाइस ठीक है तो चलिए देखते हैं एक एक करके नाव देखें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है एक द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में टाइगर के एग्जाम्पल से समझाया था ठीक है मतलब अभी अगर हमें टाइगर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता नहीं होगा ठीक है मतलब वो इतना खतरनाक है वो इंसानों को खाता है उसकी स्किन थोड़ी ऑरेंजस है ठीक है उसके ऊपर थोड़े ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है या अगर हमें पता नहीं होता तो, तो हम पहचान पाते कि वो टाइगर है वो डेंजरस है हमें पता है इसीलिए हम उसे देख देख के ही समझ आते हैं टाइगर है भागो नहीं तो हमें कैसे पता लगा जाओ सामने और मरो ऐसा हो जाएगा ठीक है तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज है किसी भी एक कैरेक्टर का ठीक है किसी भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का अगर हमें कुछ नॉलेज होगा तो हम समझ सकते हैं कि हाँ वो ऐसा है उसका ये कैरेक्टर फीचर है वो गुस्से वाला है वो शांत है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए तो हम उसको नेमिंग दे सकते हैं ठीक है अब जैसे वो बहुत हार्ड है तो इसीलिए हमने टाइगर नाम दिया अब लायन हमें पता है वो जंगल का राजा है हमें पता है उसका कुछ फीचर्स हैं वो ऑरेंजिस कलर में होता है ठीक है उसका चेहरा कैसा है तो हमें याद है वो ठीक है हम जैसे ही लायन की बात कर रहा हूँ माइंड में आपको उसकी फ़ोटो आ जाती है ठीक है फ़ोटो इन माइंड तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होनी चाहिए तभी तो आप पहचान पाओगे कि वो जो सामने वाला है वो क्या है कौन सा ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई किया गया है तो यही इस स्टेटमेंट के माध्यम से बताना चाहते हैं ठीक है थीके? दिस हेल्प्स इन आइडेंटीफाइ सिमिलरिटी देखिए मैंने बताया ना दिस हेल्प्स एन आइडेंटीफाइ सिमिलैरिटीज डिसमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजअुअल ऑफ़ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म तो अभी इन दोनों के बीच की जो सिमिलैरिटी है डिसिमिलैरिटी है वो हम कैसे पता चलेगा इसी की मदद से पता चलेगा अगर हमें उन, उन दोनों के स्वभाव के बारे में कुछ पता होगा तभी तो हम बोल सकेंगे कि हाँ इसमें इन दोनों में इतना डिफरेंस है ये डिफरेंस है ये टाइगर ऐसा है लायन भी ऐसा है ठीक है कुछ सिमिलैरिटीज़ है जैसे दोनों भी डेंजरस है टाइगर लाइन ठीक है सिमिलैरिटीज़ है और डिससिमिलैरिटीज़ भी है दोनों में दोनों का कलर अलग है उसमें टाइगर के पास ब्लैक स्पॉट्स होते हैं लेकिन लायन के पास नहीं होते हैं वह वो, वो किसका नरसिंह व का रुद्रावता माना जाता है तो ये सारी चीज़ें हमें पता है ठीक है तो ये, ये कुछ सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी को जानने के लिए किसी भी दो इंडिविजुअल की अगर हमें सिमिलैरिटी जाननी है तो वो उसके लिए भी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए ठीक है तो यही यहाँ पर बताया गया है आया समझ में आगे देखते हैं न अब हम एक एक करके डिटेल में जाने वाले हैं पहला है स्पीशीज़ तो जब मैं स्पीशीज की बात करता हूँ तो स्पीशीज़ के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ बातें देखी हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आगे बने टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज तो स्पीशीज क्या है देखिए स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है स्पीशीज इज नथिंग बट एक मिनट स्पीशीज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ठीक है कैरेक्टरिस्टिक ना बोल के अगर मैं इंडिविजुअल बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा ठीक है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स ठीक है ये होते हैं स्पीशीज तो अब हम कुछ डिटेल में जाते हैं इसके ज़रा देखिए ठीक है सी हियर नाउ ये हमने देखा स्पीशीज क्या है ठीक है हमने देखा स्पीशीज क्या है एक मिनट ओके वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ठीक है तो यहाँ पर यह मॉर्फोलॉजिकल क्या है देखिए मॉर्फोलॉजिकल यानी डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स ठीक है किसी भी वस्तु के बीच का डिफरेंस थिंग्स उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही मेनली होता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आया समझ में आ रहा है समझ में तो इधर क्या बताया गया है जो एक इंडिविजुअल है एक इंडिविजुअल है वो वन स्पीशीज फ्रॉम अदर ठीक है दो स्पीशीज के बीच का दो स्पीशीज के बीच का जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है मतलब दो स्पीशीज के जो स्ट्रक्चर है ठीक है स्ट्रक्चर के बीच का जो डिफरेंस है उन दोनों स्पीशीज में उसको अगर वो पहचान पाए तो क्या होगा देखिए मतलब पहचान पाना चाहिए वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्राम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसेज ठीक है तो दो स्पीशीज के बीच का डिफरेंस जो है वो एक मनुष्य को जानना चाहिए ठीक है सिमिलर स्पीशीज हाँ सिमिलर स्पीशीज जैने आप जैसे मैंने आपको इंसेक्ट का एग्जाम्पल बताया था वैसा ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंगेफेरा इंडिका का एग्जाम्पल दिया है देखिए ये देखिए मैंगेफेरा इंडिका मतलब मैंने देखा ना मैंगो ठीक है ये क्या है सोलैनम टबरसम मतलब पोटैटो बोलते हैं मैंथेरा लियो मतलब इसको लायन अच्छा तो ये नाम याद रखिएगा जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ठीक है साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं पोटैटो का साइंटिफिक नेम बताइए तो आपको लिखना पड़ेगा सोलैनम ट्यूबरोसम ठीक है लायन का अगर साइंटिफिक नेम पूछा तो पैंथेरा लियो आपको लिखना पड़ेगा ऐसा ठीक है यहाँ पर देखिए ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबर ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक अपड तो आपको याद है कि पिछले लेक्चर में आप मैंने आपको बताया था कि जो दो नम लो वर्ड्स होते हैं जैसे अभी मैंग मैंग इंडी का ये दो वर्ड है ठीक है तो मैंने आपको कुछ यूनिवर्सल रूल्स बताए थे इसका नेमिंग का नोम के ठीक है तो मैंने आपको बताया था ये जो हमेशा पहला वर्ड होता है वो जेनस को रिप्रेजेंट करता है है ना ये मैंने आपको बताया था और दूसरा जो वर्ड होता है वो हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है तो स्पेसिफिक एपिथेट मतलब क्या मैंने आपको बताया था इट सिंपली मीन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट है ना तो यहाँ पर भी यही बताया गया है ये तो सेकेंड वर्ड है जैसे इंडिका ठीक है यहाँ पर सोलन सोलानम ट्यूबरोसम में जो ये सेकेंड वर्ड ट्यूबरोसम है वो फिर ये लियो पैंथेरा लियो लियो भी सेकेंड वर्ड है वो मतलब स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर वही दिखाई और मैंने फर्स्ट वर्ड किस को रिप्रजेंट करता है बोला था फर्स्ट वर्ड जो है वो जेनस को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ये मैंने आपको बता देखिए मैंगेफेरा सोलानम पैंथेरा आर जेनेरा एंड इट रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन कैटेगरी तो ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए मैंने बताया था ठीक है ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ठीक है तो हर एक जीनस के पास एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करने करते वा करते वक्त ठीक है तो ये आपको जानना जरूरी है बट एक कंडीशन है कि बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज लेकिन ऐसा होने के लिए उनके बीच में जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए ये एक कंडीशन है ठीक है ये कंडीशन याद रखना देखिए अभी एग्जाम्पल देखिए पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पेसिस लाइक निग्रम ठीक है मेलोंगजेना ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज एंड सैपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन जीनस होमो तो हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स जो है उनको हम सेपियंस में क्लासीफाई करते हैं है ना हमने देखा था पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ते आ रहे हैं ठीक है होप आपको याद होगा तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पैंथेरा है मतलब पैंथेरा मतलब क्या है यहाँ पर देखिए सोलानम ट्यूबर सो पैथेरा मतलब लाइन का कहा गया है ठीक है तो ये जो पैंथेरा नाम है वो टिगरेस को भी उसका स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानता है ठीक है सोलानम जो है वो स्पीशीज जैसे निगरम जो है जिसके पास सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है ठीक है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं इन जो अलग अलग स्पीशीज के पास वो थोड़ा सिमिलर है ठीक है तो ये आपको जानना ज़रूरी है तो हमने देखा था साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग इज़ रिटर्न एज होमोसैपियंस तो ये थोड़ा हमने प्रीवियस क्लासेस में नाइन्थ में शायद थोड़ा बहुत ज़रा इंट्रो देखा था इसका ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है थी, ठीक है तो ये स्पीशीज के बारे में होप कि आपको समझ आ गया होगा कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है नेक्स्ट है वो है जिनस अब ये जो मैंने बताया था मैंगीफेरा इंडिका का ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि मैंगीफेरा इंडिका जो है दो वर्ड्स हैं उन दोनों का फर्स्ट जो वर्ड है वो जिनस को रिप्रेजेंट करता है तो अब ये जिनस क्या है वो अब हम जानने वाले हैं ठीक है चलिए देखते क्या है नाउ जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा मतलब क्या है जीनस जो है वो एक रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप को बिलोंग करता है ठीक है जिसके पास कॉमन कैरेक्टर्स हो ठीक है इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा मतलब देखिए क्या है तो ये जीनस जो है ना वो फैमिली और स्पीशीज के बीच में रैंक करता है ठीक है रैंकिंग बिटवीन फैमिली एंड स्पीशीज इज नथिंग बट जीनस ठीक है तो अब देखें यहाँ पर एग्जांपल गिवन है पोटैटो का ठीक है देखिए एक मिनट मैं जरा ओके okay. सो so देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज तो आपको पता है पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो अलग अलग स्पीसीज है ठीक है बट बोथ बिलोंग टू जिनस सोलानम लेकिन उन दोनों का जो जिनस है वो सोलानम सेम है ठीक है ना देखिए लायन उसका साइंटिफिक नेम क्या है पेंथेरा लियो ठीक है लेपर्ड का साइंटिफिक साइंटिफिक नेम है पी पैरस टाइगर का साइंटिफिक नेम पी टिग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स अब इनके बीच में थोड़े कॉमन फीचर्स हैं आपको पता होगा ठीक है आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा तो ये सारे जो स्पीशीज है लायन लेपर्ड टाइगर ये तो तीनों स्पीशीज है वो एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है पैंथेरा तो गाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ठीक है जो भी स्पीशीज पैंथेरा को बिलोंग करते हैं उस स्पीशीज का नाम बताए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो ये ध्यान रखिए ठीक है दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स देखिए एच कैच ओके सॉरी तो ये ऐसा जेनस है जो अदर अनदर जेनस से डिफर करता है जिसका नाम है फेलिस और फेलिस क्या इंक्लूड करता है कैट्स को इंक्लूड करता है कैट्स ठीक है तो ये दिस वाज ऑल अबाउट जेनस ठीक है तो अगर जेनस में कुछ डाउट हो तो बता दीजिए मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट इस फैमिली ठीक है तो मैंने आपको जेनस के बारे में क्या बताया था फैमिली और स्पीशीज के बीच के रैंकिंग को हम जेनस बोलते हैं है ना तो कैसे देखिए देखिए क्या है द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू स्पीशीज देखिए तो हम फैमिली को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं ना वन और मोर पेरेंट्स लिविंग टुगेदर विद देयर सम व्हाट चिल्ड्रंस एज अ यूनिट ठीक है तो इसे हम फैमिली डिनोट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा तो अब ये जेनेरा क्या है देखिए जेनेरा यानी सिंपली जेनस ठीक है दोनों सेम है बस ये प्लूरल नाउन है ठीक है प्लूरल नाउन में लिखा गया है ये ठीक है आए समझ में विथ स्टिल लेस देन लेस नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज तो इसने फैमिली क्या क्या डिफाइन किया फैमिली को इट इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू सम जेनस विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज तो जीनस एंड स्पीसीज के कम्पेरिजन में उनमें लेस सिमिलैरिटीज़ होती हैं ठीक है थीके? फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ ठीक है अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलनम एंड पैच्यूनिया डटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोले ठीक है अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जिनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लैप जो पिछले स्लैड में मैंने आपको बताया था इस पुट अलॉन्ग विद जेनस फेलिस जो क्या इंक्लूड करता है कैट इंक्लूड करता है मैंने आपको बताया था इन द फैमिली ऑफ फैलीडे ठीक है फैलीडे के फैमिली में इनको पुट किया जाता है रखा जाता है तो ये आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गाइस कौन से फैमिली में क्या बिलोंग करता है कौन से एनिमल्स बिलोंग करते हैं कौन से चीज़ें बिलोंग करती है सारी चीज़ें जो हैं पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है तो आप इस पर ध्यान रखिए ठीक है वैसे तो मैं तो आपको प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चन आंसर्स बट फिर भी आप ध्यान रखिए ठीक है

ठीक है तो दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिली तो इसकी वजह से इन दोनों को अलग अलग फैमिली में रखा गया है फेलीडे एंड कैनीडे रिस्पेक्टिवली ठीक है मतलब फेलीडे जो है वो कैट का फैमिली uh, है और कैनिडे uh, जो है वो डॉग की फैमिली है ठीक है आया समझ में तो होप पूरी फैमिली का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हो गया होगा आगे देखते हैं गाइस नेक्स्ट इज ऑर्डर अब ये देखिए क्या है यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज जेनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ सिमिलर कैरेक्टर्स तो जो पीछे हमने तीन कैटेगरीज पढ़े स्पीसीज जिनस और फैमिलीज़ की वो सारे के सारे सिमिलर कैरेक्टर्स पर डिपेंडेंट थे मतलब पूरा का पूरा जो उनका कंसेप्ट था वो पूरा सिमिलर कैरेक्टर्स पे था ठीक है जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है तो ये जो ऑर्डर की जो कैटेगरी है वो बेसिकली किससे डील करती है वो बेसिकली डील करती है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स अब ये क्या है सर बताता हूँ देखिए तो एग्रीगेट मतलब पूरा एक इतना बड़ा हमने कुछ मान लीजिए कुछ चीज़ें बना ली बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ कर वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये सारे मान लीजिए ये सारे एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर ठीक है अब इनको कंबाइन करके मैंने एक पूरा पूरा कंसेप्ट फॉर्म किया ठीक है वो होता है एग्रीगेट आया समझ में तो ये होता है एग्रीगेट ठीक है तो यहाँ पर क्या बताया गया है इट इज़ दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है तो पूरे कैरेक्टर्स एक दो तीन वाले जो कैरेक्टर्स है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको कंबाइन करके पूरा जो बनाया है उससे फॉर्म किए गए जो है वो है ऑर्डर आया समझ में ऑर्डर बींग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स ठीक है तो जो ऑर्डर है वो एक हायर कैटेगरी है और वो फैमिलीज के बीच का असेंबल्स है ठीक है जो कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है ठीक है सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो एज एज कंपेयर टू जेनेरा जो कि फैमिली को इंक्लूड करते हैं उनमें लेस नंबर होता है लेस इन नंबर मतलब वो उनकी संख्या जो है वो कम होती है ठीक है प्लांट फैमिलीज लाइक कॉर्नबोल कॉनबोल वुलसीए सोलैनैसीए आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉली पॉलीमोनियल्स ठीक है मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स ठीक है तो फ्लोरल का मतलब देखिए क्या है फ्लोरल सिंपली मतलब फ्लावर्स ठीक है कि जो फ्लावर्स के बारे में बता रही है ठीक है डिपिक्ट फ्लावर्स ऐसा हम कह सकते हैं ठीक है डिपिक्ट फ्लावर्स तो ये हम कह सकते हैं तो ये होता है फ्लोरल ठीक है फ्लोरल कैरेक्टर मतलब फ्लावर के बेस्ड के कैरेक्टर्स ठीक है द एनिमल ऑर्डर लाइक कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलीडे कैनिडे ठीक है तो फेलीडे किस को इंक्लूड करता है कैट और कैनिडे डॉग तो ये मैंने आपको बताया तो याद रखिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आया समझ में नेक्स्ट जो है वो है क्लास अब आप बोलते हो मैं हायर क्लास का मैं छोटे क्लास का ये क्या है ऐसा कुछ नहीं है ये ठीक है <laughs> ऐसा नहीं है ठीक है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रिमाटा कंप्राइजिंग मंकी गोरेला तो आप देख पाते हो मंकी और गोरिला दिखने में कैसे गाइस सिमिलर है ना दिखने में उनका भी मुंह ऐसा फुला हुआ रहता है मंकी का गोरिल का भी थोड़ा ऐसा फुला हुआ रहता है तो दौरा दिखने में थोड़ा सिमिलर है ना इसलिए उनको ज़रा जो भी एनिमल्स जो है ऑर्गेनिजम्स है वो जो सिमिलर है उनको ज़रा एक फैमिली में क्लास में क्लासिफाई किया गया है ठीक है तो आपको पता है मंकी और गोरिल्ला की सिमिलर गिब्बन तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ देखिए ये देखिए गिब्बन कुछ ऐसा दिखता है ठीक है तो मतलब ये थोड़ा मतलब मंकी से सिमिलर लग रहा है ना मंकी गोरिल्ला ठीक है तो समझ आया ये गिब्बन है ठीक है यही है जिसे कहते हैं गिब्बन ओके आया समझ में तो आप देख पा रहे हो ये थोड़ा मंकीस और गोरेला से थोड़ा सिमिलर है ठीक है ओके तो इसे किस क्लास में क्लासीफाई किया गया इन सभी को मामेलिया मैमल्स है ना हम कहते हैं ना मैमल्स वही मैमेलिया ठीक है अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्नी वोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक बहुत सारे एनिमल्स को इंक्लूड करता है टाइगर कैट डॉग लायन लायन ये सारी चीज़ें लेपर्ड ठीक है तो ये सारे एनिमल्स को इंक्लूड करता है क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो ठीक है तो ये मैमेलिया ये सारी क्लास जो है हमने क्लास नाइन्थ में पढ़े थे तो थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा इस ठीक है आया समझ में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैं क्लियर कर दूंगा ओके okay, तो एक गिब्बन देख लिया आपने आगे देखते हैं ना फाइलम अब फाइलम एक कैटेगरी है जो क्या है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स ठीक है फिशर्स को इंक्लूड करता है ठीक है और बर्ड्स भी जो जैसे अलॉन्ग विथ मैमल्स कुछ मैमल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम ठीक है तो एक अनदर हायर कैटेगरी बड़ी वाली कैटेगरी को फॉर्म करता है जिसका नाम है फाइलम ऑल दीज आर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एंड डोरसल तो अब ये नोटोकॉड और डोरसल क्या है बताता हूँ इस नोटोकॉड इज अ कार्टिलेजीनियस स्केलेटर रॉड ठीक है कार्टिलेजीनियस स्केलेटल रॉड है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है ठीक है आया समझ में तो यह है नोटोकॉल और डोरसल क्या है देखिए डोरसल यानी सिंपली बैक ठीक है पीछे की साइड आया समझ में हॉलो न्यूट्रल सिस्टम ठीक है आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा ठीक है तो ये जो कैटेगरीज़ है बहुत सारी वो हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ी हुई है थोड़े बहुत ठीक है एम्फीबियंस के बारे में रेप्टाइल्स ये सारी चीज़ें अब प्लांट्स की जब मैं बात करूँ तो उनमें भी कुछ क्लासेस होते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स के जैसे जिसको हम डिवीज़न के नाम से जानते हैं ठीक है डिवाइड किए गए हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है देखिए नहीं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायर अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ओके तो यहाँ पर जो है हमारी पूरी कैटेगरी ख़त्म हो जाती है तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के केस में ऐसे कुछ क्लासेस होते हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं और उनको कुछ हायर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है जिसका नाम है डिवीजन ठीक है तो ये पूरा हमने कैटेगरी पूरा पढ़ लिया टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ठीक है अब यहाँ पर देखिए कुछ कैटेगरीज हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में उनका अरेंजमेंट किया गया है ठीक है तो पहले नंबर पर आता है स्पीशीज दूसरे नंबर पर आता है जिनस तीसरे नंबर पर आती है फैमिली चौथे नंबर पर आता है ऑर्डर पाँचवें नंबर पर आता है क्लास छतवें नंबर पर आता है फाइलम या फिर डिवीजन और फिर आता है किंगडम ठीक है आया समझ में तो ये कुछ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ठीक है ये याद रखिए टेबल ओके न देखिए नेक्स्ट इज किंगडम तो हमने सारे देख लिए इसमें देखिए इसमें हमने सारे यहाँ तक डि दिव, फाइलम डिवीजन तक पढ़ चुके हैं तो अभी किंगडम बाकी है तो ये पढ़ लेते हैं ठीक है देखिए किंगडम ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाइस्ट कैटेगरी कोर किंगडम ठीक है तो जो जो भी एनिमल्स जो है वो फाइला को बिलोंग करते हैं वो एक हाईएस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं जिसका नाम है सॉरी किंगडम एनिमालिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमे एनिमल्स ठीक है एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को एनिमलिया कहा जाता है द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर एंड इज डिस्टिंग एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स तो जो प्लांटे किंगडम मतलब सारे प्लांट्स को कंप्राइज करता है ठीक है एंड फोर्थ वी विल रिफर टू दिस टू ग्रुप एस एनिमल्स एंड प्लांट्स प्लांट किंगडम ठीक है तो आई मिन दोनों किंगडम को एनिमल और प्लांट के किंगडम के नाम से जानते हैं एनिमल एंड प्लाट किंगडम के नाम से जानते हैं ठीक है आया समझ में देखिए नेक्स्ट इज द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बिन मिनट है हाँ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बींग शोन इन असेंडिंग ऑर्डर देखिए मैंने आपको बताया ना ये पूरा टेक्सोनॉमिक के कैटेगरी है उनको असेंडिंग ऑर्डर में पूरा टेबल बताया मैंने आपको वो दिखाया है मैंने आपको तो वो आपको देखना है और याद रखना है ठीक है दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज तो यह बहुत ब्रॉड कैटेगरी है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट भी है हाव एवर टेक्सोनॉमिट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज इन दिस हायर आर्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा ठीक है तो टेक्सोनॉमिट जो है उन्होंने और सब कैटेगरीज भी बनाई है इनके ठीक है ये प्लांट है इनके और सब कैटेगरीज भी बनाई है क्या कुछ साउंड और साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा तो बहुत सारे टेक्सास के साइंटिफिक प्लेसमेंट की वजह से उन्होंने बहुत सारे सब कैटेगरीज भी बनाई है तो उन कैटेगरीज के बारे में हम आगे चल पढ़ेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट सी फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक टी गोज ऑन डिक्रीजिंग ठीक है आ रहा है समझ में मतलब हमने जो टेबल देखा जब हम असेंडिंग ऑर्डर का एक के बाद एक जा रहा था तो जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे तो उनमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कॉमन वो डिक्रीज हो रहे थे है ना थोड़े कम होते जा रहे घटते जा रहे थे ठीक है आ रहा समझ में तो ये देखिए गोज ऑन डिक्रीज लोअर द टैक्स टैक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्स ऑन शहर ठीक है तो जैसे जो टैक्सा बढ़ेगा उसमें जो मेम्बर्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप टू अदर टैक्स ठीक है तो जितनी कैटेगरी हायर होगी बड़ी होगी हमें बहुत डिफिकल्टी होगी उस कैटेगरी उस टैक्सा को डिटरमाइन करने के लिए रिलेशनशिप जानने के लिए हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स ठीक है तो जो क्लासीफिकेशन का जो पूरा क्या बोलते हैं प्रोसेस है ठीक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ठीक है टेबल वन पॉइंट वन इंडिकेट्स इकोनॉमिक कैटेगरीज टू बीच सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई मैन मैंगो एंड वीट बिलोंग ठीक है तो देखें यहाँ पर कुछ कॉमन नेम जैसे मैन हाउस फ्लाई मैंगो वीट ठीक है ओके uh, okay. तो इनके जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो मैन का होमोसेपियंस हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका ठीक है मैंगो का मैंने बताया मैंगीफेरा इंडिका और वीट का जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम ठीक है और इसके जीनस किसके बिलोंग जी, जीनस का है इन सब के होमो इसका मुस्का मैंगीफेरा ऑट्रेटिका मतलब जो भी पहला वर्ड होगा उसका जीनस होगा स्पेसिफिक एपिथेट क्या होगा जो लास्ट वर्ड होगा ठीक है फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं ये मैन की बात करो तो होमोनी निडे हाउस फ्लाई की बात करो तो मुस्किडे मैंगो की बात करो तो एन एक आर डी का है ठीक है और वीट की बात करो तो पोशी है ओके एंड ऑर्डर जैसे प्रिमाटा डिपिटेरा सेपेंडेल्स पोएल्स ठीक है क्लास की बात करूँ तो मैमेलिया मैन की बात करूँ तो मैमेलिया हाउस फ्लाई इंसेक्टा इंसेक्ट्स में क्लास होता है ना मैंगो डिक्टोटाई दिक, लिडोनी ठीक है और ये मोनोकोटी लिडोनी ठीक है मोनोकॉटी के बारे में हमने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में याद होना चाहिए आपको ठीक है अब फाइलम या फिर डिवीजन की बात करूँ तो मैन तो कॉर्डेटा में आता है हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा अब आर्थ्रोपोडा के बारे में भी हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था रिकॉल कर लीजिए गाइज टिश्यूज चैप्टर था आई थिंक सो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था ओके मैंगो एन angiosperm है ओ के बारे में भी पढ़ा था एन ये भी हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था तो गैस आपको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा क्लास नाइन्थ और टेंथ का एन है ये भी सेम ठीक है आया समझ में तो ये पूरा एक टेबल था जिसमें आपको मैंने बताया पूरा वो को फैमिली को बिलोंग करते हैं किस उनके ऑर्डर क्या है वो किस क्लास के हैं किस फाइलम के हैं क्या जीनस है उनका ठीक है और उनका कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम क्या है तो ये आपको जो टेबल वन वन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ठीक है मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ना गाइस तो याद रखिए ठीक है ओके ओके सो गाइस आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ ओके okay, तो अगर आपको कुछ डाउट हो कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तो आप ज़रूर बता दीजिएगा ठीक है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मैं उसे क्लियर कर दूंगा ठीक है तो गाइज़ मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ ओके बाय